नमस्कार, आप देख रहे हैं आज टाइम्स न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ कंचन। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद अब बस ट्रक ड्राइवर संगठन के द्वारा लगातार उसे आदेश का विरोध जारी है, जिसे लेकर आज बस ट्रक ड्राइवर द्वारा विजयनगर चौराहे पर भी बड़ा प्रदर्शन किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर उन्हें खदेड़ा। गौरतलब है कि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कुछ नियम में बदलाव किए गए हैं, जिसे लेकर हाल ही में एक आदेश पारित किया गया है कि एक्सीडेंट करने वाले वाहन चालक पुलिस गिरफ्तार भी करेगी और उसे जेल भी जाना पड़ेगा, जिसे लेकर बस ट्रक ड्राइवर सड़कों पर उतर आए, जहाँ एक और राजमूला चौराहे पर भी बड़ी संख्या में ड्राइवर द्वारा चक्का जाम किया गया। वहीं विजयनगर चौराहे पर भी बड़ी संख्या में ट्रक बस ड्राइवर ने चक्का जाम किया। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची, पहले उन्हें समझाइश दी लेकिन उसके बावजूद भी जब ड्राइवर नहीं माने तो पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया है और उन्हें वहां से यह आश्वासन देकर रवाना किया। इसके बाद बस ट्रक ड्राइवर संगठन के लोगों ने पुलिस को एक ज्ञापन भी सौंपा है। वहीं क्षेत्र में ऐसी भीड़ इकट्ठा ना हो और ऐसा कोई प्रदर्शन ना हो, उसके लिए पुलिस लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। वहीं थाना प्रभारी का कहना है कि बस ट्रक ड्राइवर को समझाइश देकर रवाना किया गया है। हल्का हंगामा जरूर हुआ था लेकिन किसी पर लाठी चार्ज नहीं किया गया है। ड्राइवरों के द्वारा कुछ विजयनगर चौराहे पे विरोध किया गया था, उस विरोध के स्वरूप में हम लोग पुलिस चूंकि तैनात थी, हमने उनको समझाइश दी। वो रोड ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उनको समझाइश दी तो वो इस बात को मान गए थे और उसके बाद उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है। विजयनगर क्षेत्र में लगातार हम लोग पेट्रोलिंग करा रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, कहीं कोई अप्रिय घटना होगी उसको सख्ती से निपटे। क्या ज्ञापन मिले थे, क्या मांगे हैं सर द्वारा, इसके द्वारा की जाएगी वो जो उनके द्वारा हिट एंड रन वाले मामले में 10 साल की सज़ा, 5 लाख का जुर्माना वगैरह है, उस संबंध में वो लोग उनकी कुछ मांगे थी, वो ये कह रहे थे कि अधिक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, हम कहाँ से देंगे। तो इस बात को लेकर उनके द्वारा ACP मैडम को ज्ञापन दिया गया है, उनका ज्ञापन लेके वरिष्ठ अधिकारियों को हम भेज देंगे और उनको जो समझाइश दी है उस समझाइश को वो मानकर यहाँ से रवाना हो गया। सर इतने बड़े हंगामे के लिए किसी इसकी गिरफ्तारी या कुछ की गई जो बदमाश द्वारा या कुछ जैसे कोई गिरफ्तारी की गई? नहीं, ऐसी कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है कि जिसमें किसी की गिरफ्तारी करने की नौबत आती। हमारे द्वारा वो चूँकि रोड ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे थे, हमारे द्वारा समझाया गया था तो समझाइश के बाद ही वो इस बात को मान गए थे और ज्ञापन दे के यहाँ से रवाना हो गया। सर वीडियो में दिख रहा है कि पुलिस को लाठी उठाना पड़ेगा, फिर क्या कारण था कि मतलब? नहीं, ऐसी नहीं कोई लाठी चार्ज नहीं हुआ है, उनके द्वारा केवल रोड ब्लॉक करने की कोशिश की जा रही थी तो हमारे द्वारा उनको इस बात को समझाइश दी गई है और कोई लाठी चार्ज की स्थिति नहीं है। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।